गाइस तो वेलकम बैक गाइस, एक और धमाकेदार वीडियो में गाइस कक्षा 10वीं और 12वीं की जो स्टूडेंट है बहुत ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि गाइस के सर हमारे मार्कशीट में गाइस इस तरह का लिख कर आ रहा है। सो गाइस ये फेल्ड है, आपके मार्कशीट में किस कितने विषयों में लिखा है ये, अगर आपके दो विषयों में लिखा है तो गाइस हम प्रोसेस बताएंगे कि आपके क्या करेंगे आप आएंगे, और चार विषयों में होगा तो आप क्या करेंगे, क्या आप 10वीं में पास हो पाएंगे। सो गाइस हाँ, हम इस वीडियो में बताएंगे आपको सभी प्रोसेस बता देंगे कि आप 10वीं में पास होंगे या फेल, और गाइस ये यह है क्या लिख कर आया है। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर देख लीजिए ये आपका अगर फेल्ड लिखा मिले आपको, सो गाइस आप इन विषयों में फेल हो चुके हैं। फेल्ड या फाइल्ड कुछ लोगों के में आता है, सीधा फेल लिख कर फेल्ड भी लिखा होता है और फाइल्ड भी। देख लीजिए यहाँ पर आपका रिजल्ट भी बता रहा है कि फेल्ड है, यानी फेल्ड ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है फेल की, जैसे ये टेंस होते हैं आप समझ चुके होंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इनकी फॉर्म होती है, जैसे फेल है और फेल्ड है और फाइल्ड। देख लीजिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगर आपकी दो विषयों में, अगर आप दो विषयों में फेल हो चुके हैं सो गाइस आपको पूरक परीक्षा देने को मिल सकती हैं, क्योंकि गाइस अगर दो आप विषयों में फेल हो चुके हैं सो आपको पूरक परीक्षा जरूर मिलने वाली है। सो गाइस और हम बता देंगे आपकी जो दो विषयों में अगर आप फेल हो चुके हैं सो आपकी पूरक परीक्षा आपको देने को मिलेंगी, अभी आपकी परीक्षा डेट आ चुकी है, सो हम इस वीडियो में परीक्षा डेट भी बता देंगे आपको। चलिए आप आगे बात कर लेते हैं, आपकी तीन चार विषयों में आ जाती है सो आपको फिर क्या करना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पर अगर आपकी गाइस दो या तीन चार विषयों में भी आ जाती है सो गाइस फिर आपको रुक जाना नहीं के फार्म भरने होंगे, जिसमें गाइस आपको डेट आ चुकी है सो हम आपको बता देंगे आपका रुक जाना का फार्म आपके नज़दीकी MP ऑनलाइन की दुकान पर आप पहुंच जाना। सो आपके अगर आप तीन चार विषयों में फेल हैं सो आप अपने रुक जाना नहीं का फार्म भर सकते हैं, और गाइस दो जो स्टूडेंट दो विषयों में फेल हैं सो उनको पूरक परीक्षा देने को मिलेगी, अगर वो उसमें पास हो गए तो आपको तो वो 11वीं में पहुँच जाएंगे, और अगर पूरक परीक्षा में पास नहीं हुई तो आपको रुक जाना नहीं के फार्म मिल सकते हैं। अगर दो विषयों में अगर आप फेल हैं तो पूरक परीक्षा मिल सकती है, अगर पूरक परीक्षा में आप पास नहीं होते तो आपको रुक जाना नहीं के फार्म भर देना है, सो आप फिर पास हो जाएगा। लेकिन गाइस आपको मेहनत करनी है, थोड़ा अभी पढ़ना होगा आप, क्योंकि आपके एक साल पूरा बर्बाद हो जाती है अगर आप फेल हो चुके हैं। सो गाइस अब हमने आपको यही बता दिया कि आपको अगर आप चार विषयों में फेल है तो आपको रुक जाना नहीं के फार्म मिल सकते हैं भरने के लिए, और आपकी डेट हम बता देते हैं। आइए आपको डेट भी बता देते हैं, अगर गाइस आप दो विषयों में हैं, हम आपको बार बार बता रहे हैं दो विषयों में तो आप पूरक परीक्षा दे सकते हैं, और गाइस अगर आप चार विषयों में फेल हो चुके तो रुक जाना नहीं कि अपनी नज़दीकी MP ऑनलाइन की दुकान पर जाइए और जल्दी से फार्म भरना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि गाइस आपका फार्म आज से ही शुरू हो चुका है तो आप जल्दी से भर दीजिए, और आपकी परीक्षा डेट भी आ चुकी है। देख लीजिए यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर है आपका 10वीं और 12वीं में फेल हुए छात्रों के पास उत्तीर्ण होने के लिए एक सुनहरा मौका होता है। सो गाइस यहाँ पर पूरी न्यूज़ देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए मासिम ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जिन छात्रों की सप्लीमेंट्री आई है, और गाइस दो विषयों में अगर आपकी सप्लीमेंट्री आई है तो उनके लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। सो देख लीजिए परीक्षा कार्यक्रम यानी आपकी परीक्षा होना स्टार्ट हो चुका है। देख लीजिए 12वीं के सभी विषयों की परीक्षा 20 जून से होने वाली है। देख लीजिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 20 जून से होने वाली है, 20 जून से 12वीं की परीक्षा होने वाली है। यहाँ पर देख लीजिए आपको देखने को मिलेगा 20 जून से 12वीं की परीक्षा, और 10वीं की परीक्षा 21 से 30 जून तक होगी, यानी 10वीं की परीक्षा आपको 21 से 30 जून तक होगी, और 12वीं की व्यावसायिक परीक्षा 21 से 27 जून होगी, और परीक्षा सुबह 9 बजे से आपको 9 बजे से गाइस यहाँ पर 9 बजे से 12 बजे तक आपकी जो परीक्षा का टाइम रहता है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी, 9 बजे से 12 बजे की पाली में रहेगी। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्रों को एक दिन पहले ही फॉर्म भर सकते हैं। देख लीजिए गाइस यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि आपकी परीक्षा कब होगी और कितने टाइम हो गई। सो गाइस इस वीडियो में हमने आपको पूरा बता दिया आपको कितने बजे क्या करना है, और गाइस आगे हम बता देते हैं आपको रुक जाना नहीं कि फार्म कैसे भरना है। अगर गाइस आप अपने मोबाइल से भरना चाहते हैं तो मोबाइल से मत भरना गाइस, हम आपको अच्छी सलाह देंगे आप अपने नज़दीकी MP ऑनलाइन पर जाकर ही भर दें।
देख लीजिए गाइस, यहाँ पर आपको है बोर्ड परीक्षा में फेल है जिन होने वाले छात्रों द्वारा गलत कदम उठाने पर मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 16 में रुक जा नहीं का स्कीम लागू की थी, इसीलिए कुछ बच्चे बहुत ही गलत कदम उठाए थे सो उन्होंने रुक जा नहीं की स्कीम चालू की थी, क्योंकि बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं फिर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, इसलिए उन्होंने रुक जा नहीं की ये स्कीम निकाल दी। सो गाइस बस इतने इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलेंगे अगले नए अपडेट के साथ। सो गाइस अपने अपने सप्लीमेंट्री और जो रुक जा नहीं के पेपर हैं वो अच्छे से देना गाइस, मेरी यही मनोकामना है कि आप अच्छे से पास हों 11वीं क्लास में पहुँचे, फिर गाइस हम 11वीं क्लास की आपकी अच्छी तैयारी करा देंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। गाइस इस वीडियो में इतना ही, और गाइस हाँ आपने अभी ये तो देखा ही नहीं कि रुक जा नहीं पर नहीं परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र फॉर्म भर सकते हैं, अंतिम तारीख आपकी 15 मई है, आप ये भी अच्छे से गौर कर लेना क्योंकि ये 15 मई आपकी अंतिम तारीख है गाइस, इसे अनसुना मत करना, अच्छे से आपका 15 मई तक आपकी लास्ट डेट है सो आप 15 मई से पहले ही अपना फॉर्म भरें, कोई देर नहीं करें, आज ही अपना नज़दीकी जो आपकी नज़दीकी MP ऑनलाइन की दुकान है वहाँ पर जल्दी से जाएँ और वहाँ से अपना आप रुक जा नहीं का फॉर्म भरवा दें। सो गाइस बस इतना ही इस वीडियो में, हम आपको यही इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे आपके लिए, बस इतना ही। सो गाइस चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें भी, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। और गाइस वीडियो का अंत यही कर लेते हैं, आप जय हिंद जय भारत, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।